तो गाइज ये कुछ व्यूज था, ठीक है, मुगल गार्डन का। अभी जा रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइज ये हमारा सफर, ठीक है, जिसमें हम जा रहे हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर, ठीक है, मामा के बिजनेस के लिए। दिनेश ठाकुर मेरे मामा, उनके बिजनेस के लिए। साथ में विपिन अंकल हैं और ड्राइवर हैं हमारे, ठीक है। तो सारे जा रहे हैं, ठीक है। अभी रुके हैं कहीं परांठे खाने के लिए। विपिन अंकल वो रहे, मामा हो रहे, परमजीत अंकल गाड़ी का देख रहे हैं थोड़ा। मैं ऐसे देख रहा था नज़ारे। शॉप्स कोई अवेलेबल नहीं है, शॉप्स ये मिली है गोविंद वैष्णो ढाबा, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। ਪਹਿਲੀ ਰੋਡ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੀ? ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰਨਾਥ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਰਲਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਲਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਬਰਲਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਰਲਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਰਲਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ, ਤਾਂ ਬਰਲਾਡੇ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਮੱਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਇਕੱਠੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪੱਕਾ ਇੱਕਦਮ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਲਵਾਈ ਲੂਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਜਾਮ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ।
तो ये था हमारा श्रीनगर का सफर, ठीक है, मामा की मीटिंग के लिए जा रहे हैं। विनर अंकल देखे नहीं, ठीक है। देखो इधर जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। अब ये कुछ ऐसा है श्रीनगर का, ये श्रीनगर अभी पहुंचे नहीं है, अभी 3 घंटे का रास्ता बाकी है और कुछ ऐसे नहीं आ रहा पता है। आ जाओ 10 मिनट नहर देख लो गाड़ी के लिए बनना ना बोल। स्त्राव होने के कारण ही होती है। इसका अनुभव मैंने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के दौरान किया है, जब मैं पुलिस इंस्पेक्टर बतौर किसी के थाने में पदस्थापित हुआ करता था। पर इन्ना भी जाम तो नहीं सी गया, चली आ गया। तो गाइस देखो पहुंच चुके हैं, ठीक है। एक बार रुको मैं पर लॉक कर लेता हूं, ठीक है। श्रीनगर पे पहुंच चुके हैं और कुछ ऐसा व्यू है, ठीक है। रश बहुत है, बहुत ज़्यादा रश है। मास्क मैंने डाल, धूल मिट्टी बहुत उड़ गई इसलिए मास्क डाल रखा है। बाकी देखो ये कुछ ऐसा व्यू है। बहुत ज्यादा उल मिट्टी, बहुत ज्यादा रश है। अब हैं यहाँ पे चिकन हट रमदान, पता नहीं क्या प्लेस है, यहाँ पे खाना खाएंगे। तो गाइस खाना खा लिया, ठीक है, बट इतना स्वाद नहीं था बट चलो खा लिया। अब जगह के हिसाब से खाना मिलेगा ना। बाकी रहा होटल रामबन जहाँ पे मामा हो रहे हैं, यहाँ पर भी काम करना। गाड़ी क्या लेते हो एक बार, बाकी इसी नगर का इलाका होटल रामबन के पास है। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। ओ
वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीन दे, दर्द है तो सीन दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। अभी तो लेफ्ट ही जा रहे हैं ना इसके लेक के। हाँ, डाइवर्सन है।
लेक के बाद होगी लेक ये होटल एजन गाइस ये हमारा होटल चलो रूम मंजिल पे पहुंच चुके वो भी उधर नहीं है कमरे तो गाइस ये है हमारा 302 रूम नंबर ठीक है और अब देखा आपको मेरा पूरा चेहरा सुबह से ट्रेवल करके थक गए थे और ऐसे दिख रहे कुछ एक बार व्यू दिखा देता हूँ विंडो से विंडो व्यू एक बार ये देखो ये अपना कश्मीर जम्मू कश्मीर श्रीनगर श्रीनगर जा रहे मामू अब रश कम हो गया 8:30 के बाद ये क्या उसको डल लेक की वजह डल लेक अंदर जाते ना जो अंदर ही लेक के अंदर ही साई वैष्णो डब्बा अन्नपूर्णा भोजनालय सारे कितनी किलोमीटर 3-4 किलोमीटर 3-4 महीने अच्छा पैदल ही वेरी गुड थैंक यू हेलो 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 टीम में मालिक है बाहर से मालिक है हेलो मालिक के पास जा रहे हैं अभी पहुंच गया तो परेशान हो जाते अभी खाएंगे थोड़ी देर में हम आपका कैमरा ऑन नहीं है बैक है घूम के खाएंगे घूम के ठीक है देर तक
तीन चार मिनट की गल कर रहे थे वैसे तो गाइस ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर का इलाका और कुछ ऐसा इलाका है, देखो आपको मार्केट है बढ़िया सा, ठीक है। अभी मेन बाजार में हम थोड़ा सा, ठीक है, इतना मेन भी नहीं क्योंकि रात का 8:30 बजे है, बहुत से 8 बजे हैं, ठीक है। तो व्यू की कुछ ऐसा है और मज़ा आ रहा है, ठीक है, और वॉइस क्वालिटी कैसी है बता देना एक बार। और देखो ये कुछ शॉप्स लगी हुई हैं, मामू आगे चल रहे हैं, ठीक है, अच्छा है वैसे ये, बढ़िया है, मतलब व्यू अच्छा है, घूमने फिरने के लिए बढ़िया जगह है। थोड़ा आने में दिक्कत होती है क्योंकि 12-13 घंटे 15-16 घंटे मतलब सफ़र करना पड़ेगा ऑन रोड, बट सही है। संजीव मामू वो ठीक है, तो वैसे देख लो कुछ ऐसा नज़ारा है, अच्छी कुछ स्ट्रीट्स हैं यहाँ की, ठीक है, श्रीनगर की। राम राम जी, राम राम। बाकी मामा और विनोद अंकल बात कर रहे हैं संजू मामू से, वैसे ही है यार, वो ठीक है ना, बढ़िया है, मज़ा मज़ेदार, मतलब जगह बढ़िया है। साई वैष्णो ढाबा तो गाइस ये है अपना श्रीनगर कुछ मॉर्निंग का व्यू, ठीक है, ये देखो ये श्रीनगर का कुछ मॉर्निंग का व्यू है, बिल्कुल हिमाचल जैसा है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा है, ठीक है। बाकी बाहर जाकर मैं आपको और दिखाऊंगा, अभी तो नहा धो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं मामा भी, ठीक है, पानी ख़त्म हो गया होटल में, तो मामू दूसरे रूम पर गए, विपिन अंकल के रूम पर, वहाँ पर जाकर नहा रहे हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, जगह के हिसाब से ठीक ही है, ठीक है, रश बहुत है तो फिर इसी हिसाब से मिलेगा, कमरे सारे फुल हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सारे कमरे फुल हैं, बट अच्छा है, ठीक है, बाकी का बाद में दिखाते हैं। अंकल पोज बना बना के फोटो ले रहे हैं। नजारा ये है कुछ, डिस्कशन चल रहा है पैसों का, फिर डल लेक में जाएंगे। ठीक है, ये वही डल लेक अपनी,
कश्मीर श्रीनगर की डल लेक। बाकी व्यू आपने देख लिया कुछ ऐसा है। मामू वीडियो बन रही है। धूप बहुत आ रही है ना। धूप बड़ी ज्यादा पड़ रही है। सूरज जस्ट उस साइड है ना। किला भी वहां पे एक वो कोई किला है। ये पूरी किले वहां पर नौ बजे ये देखो रश स्टार्ट हो गया और ये देखो फूल निकाले नोटिस के। अभी जा रहे हैं हम मुगल गार्डन। मुगल गार्डन टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट काउंटर है वहां पे। कहाँ पे है? वो नहीं है भाई, तो नाम के लिए बनाया। ये देखो वैसे का व्यू देखो। नौ बजे का रश है। ये कुछ भी है। देना मेरी अकेले की वीडियो बना दूंगा। लो व्यू ले लो ऐसे घुमा के ऐसा मामू सारा ऐसे। हाँ ऐसे घुमाओ ऐसे ऐसे घुमाओ पूरा व्यू ले लो। वीडियो बना दूंगा मैं गाना गुना ऐड करके। चलो अभी चलते हैं। अभी तो बहुत है। अभी तो बहुत है। पड़ी है वैसे है ना। इधर खड़े हो पीछे खड़े लगता है फोटो खड़े होके। जो भी है क्या मतलब गार्डन है। बाकी देखो यार एक बार व्यू देखो है कितना तगड़ा व्यू है। ठीक है व्यू बहुत तगड़ा है। ठीक है एक बार बता देना स्टेबिलिटी कैसी आ रही है फोन पे। ठीक है
आई थिंक ठीक ही आ रही है। कैमरा क्वालिटी इससे बेटर तो मैं दे नहीं सकता अभी, इन फ्यूचर लेंगे अच्छा कैमरा तो और अच्छी क्वालिटी आएगी। बाकी मैंने टोपी उतार दी, ठीक है, मैंने नोटिस किया बिना टोपी के ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है, टोपी से चेहरा छुप रहा था। बाकी धूप के लिए टोपी ठीक है, बट सही है। और ये देखो कुछ ऐसा व्यू, पहाड़ों का व्यू देखो एक बार, थोड़ा ना धूप बहुत ज़्यादा है आपको दिखेगा नहीं, ये देखो ये, अगर मैं फोकस हटाऊँ ना तो दिख जाएगा। देखो पीछे पहाड़ है सारे, यहाँ पे गार्डन में सारे पीछे पहाड़ है, व्यू बहुत तगड़ा है, ठीक है। मोटो फोकस एक बार हटा देता हूँ, ये देखो लॉक कर दिया, ये देखो पीछे पहाड़ सारे और नीचे बहुत तगड़ा गार्डन का व्यू है, ठीक है। कहने शगुन है, देखो मामू अरे, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ असली व्लॉग तो। मक्की रास्ते का तो चलो रास्ता अच्छा था, थोड़ा हार्ड था, ठीक है, आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, मतलब दूर पड़ता है, थोड़ा रश है, भीड़ भाड़ का बहुत है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं देखो फायदा है, एक बार पहुंच गए ना एकदम इतना तगड़ा व्यू मिलेगा ना आप सोच नहीं सकते, इतना प्यारा व्यू है, ठीक है। वो देखो सामने लेक है, फिर यहाँ पे गार्डन है, फोटोज वगैरह खींचने के लिए ठीक है, शायद स्कूल के भी आए, देखो बच्चे स्कूल के बच्चे आए हैं वहाँ पे, पिकनिक विकनिक हो गया, पता नहीं क्या होगा, बहुत ही ऑसम व्यू है। और मैं तो यही बोलूँगा प्रेफर करना चाहिए 12-13 घंटे या 15 घंटे का जो सफ़र है वो लेके अगर यहाँ पे पहुँचते हो तो इन्जॉय पूरा करोगे आप, ठीक है, इन्जॉयमेंट पूरा है, लेकिन हाँ थोड़ा रास्ते का वो है क्योंकि 15-16 घंटे आप बाय रोड आओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट हाँ एक बार प्रॉब्लम फेस करने के बाद जब पहुँच जाते हो तो कुछ नज़ारा भी ऐसा ही मिलता है। देखो वो बोलते हैं ना जितनी तकलीफ झेलोगे उतनी कुछ बाद में वो भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी वैसा कुछ, ठीक है। सो टाइम लगेगा आने में, बट आने के बाद देखो क्या नज़ारा मिलेगा। विपिन अंकल हो रहे हो देखो देखो कितने प्यार हैं। तो कुछ ऐसा कुछ व्यू है देख लो, ठीक है, ये देखो फोटोज वगैरह खींची अभी हमने, बाकी झरने का व्यू यार अच्छा लग रहा है ये वाला, ठीक है, फोटोज वगैरह थोड़ी खींची, अभी ऊपर जा रहे हैं थोड़ा ऊपर भी थोड़ी बहुत फोटोज खींचेंगे एंड देखते हैं। मज़ा आ रहा है यार, अच्छा है, जम्मू कश्मीर अच्छा इलाका है, थोड़ा आने जाने का बस वही जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो बढ़िया है। उनको विपिन अंकल बैठ गए, देखो बैठ के फोटो लेने के लिए, फोटो ले लेता हूँ उनके यहाँ पहले। ये कुछ गार्डन का व्यू था गाइस, मामू और अंकल वो निकल गए, ये कुछ व्यूज था, ठीक है, मुगल गार्डन का। अभी जा रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, लास्ट टाइम एक बार देख लो, ठीक है, ये था अपना मुगल गार्डन, कश्मीर जम्मू कश्मीर का बहुत पॉपुलर मुगल गार्डन, ठीक है। बाकी एक गार्डन और है ऐसा जो कि आगे पड़ता है, बट हम इसमें आ गए क्योंकि थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, इतना तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है, निकलते हैं क्योंकि मीटिंग भी, मामू को मीटिंग भी लेनी है, फिर मीटिंग लेके जाएंगे फिर कहीं और शायद, ठीक है, मामू अभी फोटोज ले रहे हैं, मजा आया, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, तकले टेक केयर। मैं क्या कर्फ्यू करना क्या कि सो ठीक है, तब जब मोदी के बाद ठीक हुआ क्या, तब तो कोई नहीं बोलता ये लोकल नहीं, तो कहते यहाँ तो मिनट में बंद कर देते थे सारे रास्ते। हाँ अभी देखो तो अभी कैसे बंद है, पता नहीं क्या कर्फ्यू लग गया, अभी सारे रास्ते खुल गए, ठीक है, अभी मोदी ने कुछ तो काम किया। एशियन एयर की सिक्योरिटी कारों के दिन से
इन्ने ट्रक गाड़ी हम जाए तो वैसे आ हुआ है गवर्नमेंट चाहे तो सुधार सकती सारे ना लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट करती सी ना उन्होंने हेलो हाँ जी सर जी मैं क्या फिर वाड़ गया सी हाँ हेलो पेमेंट तो पहले तो असूल बनता नहीं वैसे तेरे साहब हाँ कर दाँगे एक सैकेंड च आजूगी सर तू पेमेंट आए तो आई एक सैकेंड से चिंता ना करो डेढ़ दो घंटे का ही नहीं गए हमारे डेढ़ दो घंटे ही निकल जाएंगे जाम के हिसाब से मेरे को लग रहा है ज्यादा जाम हम फ्रेश है पूरी एकदम खतरनाक है टाइम तो आता नहीं है ना या तो लोग नाइट में चलन के
ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਣੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਸਾਲੇ ਖੋਟੋ।